हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ठेकुआ यानी कि खजूर की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। ये खासकर छठ पूजा का प्रसाद है, पर ऐसे भी लोग कहीं सफर में जाना हो या अपने बच्चों के लिए नाश्ते के लिए बना के रखते हैं। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और लॉन्ग टाइम तक रुकता है। तो चलिए हम वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ठेकुआ यानी कि खजूरी बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे इस बॉल से एक बॉल आटा, आधा बॉल हम लिए हैं रवा, इसमें हम लिए हैं एक छोटी कटोरी शक्कर। तो मीठा आप अपने अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर ये माप सही है, ये ना ज़्यादा मीठा होता है और ना ही फीका लगता है। हम बीच में थोड़ा सा ऐसे स्पेस करके और मोइन डाल लेंगे। तो मोइन मैं आपको बता देती हूँ कैसे मापा जाता है। इसकी तो आधी कटोरी हमने डाला है, पर मैशने के बाद इसकी हम मुट्ठी बना के आपको दिखाएंगे। अगर अपनी मुट्ठी बन जाती है तो हम समझेंगे कि अपनी खजूरी के लिए अच्छे से मोइन पक चुका है। तो हम मैश के दिखाते हैं आपको। मोइन को अच्छे से मैशना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तभी अपना खास्टा एकदम बारीक बारीक तैयार होता है। तो आप देख लीजिए, हमने इसका मुट्ठी बांधा तो ये अच्छे से बंध गया। यही पहचान है अच्छे मोइन का। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि खजूरी यानी कि बिहारी स्टाइल ठेकुआ का कोई डो तैयार नहीं होता है। इसे हल्का सा यानी कि बाइंडिंग के लिए पानी डाला जाता है। तो यहाँ पे हमने मुश्किल से 4 चम्मच यानी कि 1 चुल्लू ही पानी डाला है और मसल मसल के हम इसे तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जब अपनी शुगर पिघलेगी यानी कि शक्कर, तो ये ऑटोमेटिक बंधने लगता है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तैयार करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो गया तो फिर इसे अच्छे से खजूर तैयार नहीं होता है। तो हमने दोनों हाथों से इसे ऐसे मसल मसल के अपना डो तैयार किया है। आप देख सकते हैं इसे हमने साना नहीं है, बिल्कुल फड़ाड़ा सा तैयार किया है। पर जब हम इसकी मुट्ठी बांधेंगे तो ये बहुत ही सुंदर एक लोई तैयार होगा। और यही है अपनी ठेकुआ यानी कि खजूरी का लोई। तो ऐसे ही हम दोनों मुट्ठी से भी कर सकते हैं। साइज़ का आपका ध्यान रखना है, बड़ा बनाना है तो बड़ा लोई लीजिए और छोटा तो छोटा लीजिए। चलिए हम सभी लोई तैयार करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी अपना लोई तैयार कर लिया है। अब हम इसका फ्रेम दिखा रहे हैं आपको। एक लकड़ी का फ्रेम है यानी कि वुड की। इसमें दोनों साइड खांचे बने होते हैं। तो ये लंबा वाला खजूरी का है और ये गोल वाला ठेकुआ का है। तो हम सबसे पहले इसको ग्रीस करेंगे 1 से 2 ड्रॉप तेल डाल के, और हम इसे हल्का सा ऐसे ग्रीस कर लेंगे। अब हम एक लोई लेंगे और हथेली की मदद से इसे प्रेस करते हुए अपना खजूर तैयार करेंगे। खास्टा भी कहते हैं, खजूरी भी कहते हैं, कहीं पे ठेकुआ भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, ये बिहार का छठ का प्रसाद का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रेसिपी है। छठ के प्रसाद में ये बनाया जाता है, वैसे भी हम खाने के लिए बनाते हैं तो छठ में इसका काफ़ी महत्व रहता है। और ऐसे भी हम अपने घर में नाश्ता के लिए बना के रखते हैं। तो देखिए कितना अच्छा फूल उभर के आया है। ऐसे हम सभी खजूरी तैयार करके गैस की तरफ चलते हैं। तो हमारा खजूर तैयार है और गैस पे हमने यहाँ पे तेल भी गर्म होने के लिए रख लिया है। अब हम एक एक खजूरी को अंदर छोड़ देंगे। इसमें ना तेल को ज़्यादा गर्म करना है और ना ही ठंडा रखना है, मीडियम तेल गर्म होना चाहिए अपना। और एक बैच में जितना आ सके उतना हम डाल के फ्राई करके फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने एक साइड से इसे 2-3 मिनट तक पका लिया है। आपको फ्लिप करके दिखाते हैं। देखिए हल्का हल्का सुनहरा होने लगा है अपना खास्टा। तो हम सभी को एक एक करके फ्लिप करेंगे। ये टूटने में थोड़ा सा ये होता है, क्योंकि इसकी लोई गीली नहीं होती है, हम सूखा सूखा तैयार करते हैं। तो हम यहाँ पे सभी खजूरी उलट लिए हैं और दूसरी साइड से भी हम 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पे सेक के तब आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने उलट पलट के इसे
12 13 मिनट तक फ्राई किया है, कितनी बढ़िया खूबसूरत कलर आ चुकी है और ये बहुत ही हल्का तैयार हो जाता है। फ्राई होने के बाद हम एक्स्ट्रा तेल गिरा देंगे और अपने खजूरी को डिश आउट कर लेंगे। तो आप इसकी खूबसूरती देखिए, खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है। चलिए हम सभी खजूर निकाल के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया खजूर बनाना कितना आसान है, यानी कि ठेकुआ बनाना। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप बना के महीना दिन तक डब्बा में भर के खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।